हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मृति। स्मृति सोम किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पालक और पनीर से एक हेल्दी नाश्ता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने गर्म पानी बिठा दिया है, उसमें डालेंगे हम पालक। तो पालक को मैंने अच्छे से धो के डाल दिया है। उसको हम एक मिनट के लिए उसको हम ब्लंच करेंगे और तुरंत ही इसको हम ठंडा पानी में निकल के डाल देंगे, नहीं तो हमारा पालक का जो कलर है वो चला जाएगा। मैंने ठंडा पानी रेडी कर दिया है, उसमें हम डाल देंगे अभी पालक के पत्ते और इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। मैंने साबुत मूंग लिया है, उसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। एक हम जार लेंगे, उसमें डालेंगे सब मूंग और उसमें डालेंगे हरी मिर्च और साथ में थोड़े से टुकड़े अदरक और एक स्पून हम इसमें डालेंगे जीरा। और हमने जो पालक को ब्लंच करके रखे थे उसको डाल देंगे और इसको एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसमें हम बिल्कुल पानी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपका पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैंने बिना पानी डाले ही इसको अच्छे से पीस लिया है। देखिए हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है, बैटर बन के। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। इसको अच्छे से मिक्स करके हम 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। साथ में बनाएंगे हम मसाला। मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को अच्छे से गरम करेंगे, साथ में डालेंगे थोड़ा सा उड़द दाल, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी जीरा डालेंगे। उसको अच्छे से चटकने देंगे। एक सूखी लाल मिर्च देंगे, उसको थोड़े छोटे टुकड़ों में हम इसे ऐसे कट करके डाल देंगे। अब हम डालेंगे उसमें हरी मिर्च और करी पत्ता। करी पत्ता को मैंने हाथ में ही ऐसे तोड़ के डाल दिया, उसका अच्छा खुशबू आता है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज। प्याज को मैंने बारीक ही कट किया है और मैंने थोड़ा सा ही प्याज डाला है। अब हम डालेंगे अदरक। आप चाहे तो अदरक को कट करके डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया है। हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। अब हम डालेंगे इसमें पनीर। आप चाहे तो आलू का मसाला भी बना सकते हैं, लेकिन पनीर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम पनीर को कद्दूकस नहीं करेंगे, बस हाथ में ही ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके इसको हम डाल देंगे, मसल मसल के डाल देंगे। आप इस टाइप का मसाला बनाए, ये बहुत टेस्टी लगता है। मुझे लगता है कि बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। उसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। बस उसको 1 मिनट के लिए हम इसको सोते करेंगे। हमारा डोसा के लिए जो मसाला है बन के रेडी हो गया है। मैंने तवा को गरम कर लिया है, थोड़ा सा डालेंगे तेल और उसमें डालेंगे हम डोसा का बैटर। उसको डाल के अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे, पूरा पतला बनाएंगे इसको। अगर आपका डोसा का बैटर पानी हो गया तो जल्दी नहीं निकलेगा, चिपक जाएगा तवे पे, इसलिए थोड़ा सा थिक ही रखिए। ऊपर डालेंगे चारों तरफ तेल। बस इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी है और झट से ही बन जाता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए हमारा कितना इजीली हमारा डोसा जो है निकल रहा है। और हम अब डालेंगे अभी हमारा पनीर का मसाला। मसाला बनाने के लिए बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। अगर आपका घर में पनीर है तो आप ज़रूर इस टाइप का आप ट्राई कीजिए। हमारा पालक पनीर डोसा बन के रेडी हो गया है। अब हम करेंगे गर्मा गर्म सर्व। इसको आप चटनी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अगर चटनी नहीं है फिर भी ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।